देश के अमन और देश के शिकार तो सब करते हैं, पर टाइगर जैसा शिकार कोई नहीं कर सकता। इस डायलॉग को कुछ लोगों ने पहले बहुत हल्के में ले लिया था कि ये बस डायलॉग है, पर इस डायलॉग के साथ टाइगर यानी सलमान खान ने जो मुंह तोड़ डेमो दिया है, उसे देखने के बाद मिथुन दादा का वो ग्रैंड मास्टर हैट्स ऑफ देने का मन कर रहा है। क्या बात क्या बात क्या बात। पर टाइगर का ये जो शिकार वाला डायलॉग है वो अब कहीं थोड़ा सा फीका तो नहीं पड़ गया, क्योंकि टाइगर के मैसेज में क्लियर दिख रहा है कि टाइगर पर गद्दारियां देशद्रोही वाला धब्बा लग गया है और उसकी शिकार की गई है। तो इससे हमारा टाइगर घायल हो चुका है, पर घायल टाइगर ही सबसे डेंजरस होता है ना। वैसे ही टाइगर 3 या पूरी टाइगर फ्रेंचाइजी किसी मिशन पर बेस्ड मूवी है जहां रोमांस केमिस्ट्री एक्शन सस्पेंस सब कुछ है, पर इस बार मेकर्स ने जो फैमिली इमोशंस वाला पॉइंट ऐड किया ना, उसकी वजह से मूवी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जैसे ही टाइगर को ये चिंता है कि उसके बेटे को लोग ताने मारेंगे कि वो एक देशद्रोही का बेटा है, उसे पता चलता है कि टाइगर एक फैमिली मैन भी है। तो यहाँ पर उन्होंने चलते ट्रेंड को फॉलो किया। देखिए ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो जाइए, जैसे कि यहाँ पर बाप और बेटे की रिलेशनशिप पर थोड़ा फोकस किया गया है, तो अब आने वाली बढ़िया एक्शन फिल्मों में इसी तरह का बॉन्ड दिखाया गया है। जहाँ पर शाहरुख खान की जवान मूवी है और रश्मिकांत की जेलर मूवी है, वहीं अब विजय की लियो में भी फादर डॉटर रिलेशनशिप दिखाया जाएगा और मूवी विक्रम में भी विक्रम और उसके पोते का बॉन्ड दिखाया गया था। इसका मतलब हर कैरेक्टर की एक प्रोडक्टिव फादर वाली इमेज भी दिखाई गई है। वैसे टाइगर 3 के पोस्टर पर हम देखते हैं कि टाइगर जिंदा है कि इवेंट्स को भी फॉलो करेगा, तो अब वो कौन से इवेंट्स होंगे ये तो मूवी में पता चलेगा। पर टाइगर जिंदा है में हमने देखा कि एक्टर गिरीश कर्नाड ने जो शेनोई कैरेक्टर में नजर आए थे, जो रॉड शीफ दिखाए गए थे, तो उनका और टाइगर का बॉन्ड भी काफी अच्छा था। अरे वही तो टाइगर जिंदा है कि शुरुआत में टाइगर के पास गए थे उसे मिशन के लिए बुलाने के लिए, याद आ गई बात। अब बाकी लोग टाइगर को कितना भी गलत समझे और उसे गद्दार बोले, पर शेनोई ने कभी भी टाइगर को गलत नहीं समझा, बल्कि हमेशा ही प्रोटेक्ट किया। वो टाइगर की सपोर्ट सिस्टम थे। खैर अब गिरीश कर्नाड ही इस दुनिया में नहीं है, तो देखते हैं कि कोई है क्या जो टाइगर के साथ खड़ा रह सके। वैसे कोई नहीं है, इसलिए तो टाइगर इमोशनल हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है बताएं कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए एंड सेफ रहिए। बाय बाय।